नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम है, ये दरअसल कोई अलग प्रोग्राम ना हो, कल ही की जो हमारी क्लास थी जीके बूस्टर प्रोग्राम था, उसी का एक क्रम विकास है। कल हम लोग समझ रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में और उसी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें, लगभग ये सर्वाधिक उपदेश तक हम लोग समझ चुके थे कल की क्लास में। अगर आप लोग इसे ना देखे हों तो प्लीज़ पहले कल वाली क्लास देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, जो जन्म था वो इनका 563 BC में हुआ था, वो हम लोग ने देखा था। इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुनि, शाक्यगढ़ के प्रधान थे, ये भी हम लोग ने देखा था। और शाक्यगढ़ से ही इनका एक नाम पड़ जाता है गौतम बुद्ध का, शाक्य मुनि। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, आता है प्रश्न कि शाक्य मुनि इन्हें बोला जाता है। उसके बाद देखिए, जब इन्हें बोध गया में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद इनका नाम पड़ जाता है बुद्ध, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कह दिया जाता है। तो ये दरअसल जो इनका सिद्धार्थ नाम था, वहां से ये बुद्ध कहलाए जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोल दिया जाता है। तो अगर प्रश्न ये आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश। तो इनका ज्ञान का प्रसार इतना ज़्यादा था एशिया में कि इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया बोल दिया जाता है। और ये प्रश्न आ भी चुका है आपका। उसके बाद देखिए कि एक ये जो है खुद का नाम, ये तथागत भी खुद को बोलते थे, तथागत बोलते थे। तो तथागत मतलब भी आप देखे होंगे, कई कोचिंग का नाम भी रहता है तथागत। तो ये जो है, ये सारे बुद्ध के नाम हैं जो हम कल बताना आप लोगों को भूल गए थे। तो चलिए, सर्वाधिक उपदेश हम लोगों ने देखा, सर्वाधिक उपदेश तक, तो इसको हटा देते हैं। उसके आगे का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब ये कोचिंग अपना दे रहे थे, सबसे पहले इन्होंने कोचिंग दी ऋषि पत्नम में, वाराणसी में, वो हम लोग ने समझा था सारनाथ जो। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा जो इनकी कोचिंग चली, उपदेश दिए, वो दिया इन्होंने कहाँ पर, तो ये था आपका श्रावस्ती या कोसल में, ठीक है। ये जो आपका अवध और फैजाबाद, ये सब जो एरिया है, वो वाला आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये इनके जो प्रमुख अनुयायी, यानी जो इनके वैसे तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ एक राजा भी जो है इनसे, इनके मतलब अनुयायी बने, इनकी बातों को मानने लगे, तो वो कौन से राजा थे, तो उसमें देखते हैं। एक था बिंबिसार, ये सब आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन था ये, क्या था, अभी मेरा यहाँ पर बताने का मकसद नहीं है, मैं बस इनका नाम बता रहा हूँ। बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन सब पे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन कौन ऐसा था जो बौद्ध धर्म को मानता था, या जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ऐसा भी मतलब बोला जाता है। हालांकि कोई राजा की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो किसी धर्म को संरक्षण दे, लेकिन ऐसा प्रश्न जो है आयोगों द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए, ये जो है, ये 6 ऐसे राजा थे। इसको हम लोग याद करने की एक ट्रिक बहुत फेमस है, ये मेरी नई ट्रिक है, ये इधर उधर से भी मुझे मिली है। ज़्यादातर ट्रिक्स मैं खुद ही विकसित करता हूँ, पर कुछ एक ट्रिक्स जो है अगर मुझे अच्छी मिल जाती है तो फिर मैं उसको ले लेता हूँ। ये बापू का हाथ करके ये ट्रिक है। बापू में बी से बिंबिसार हो गया, ए से हो गया आपका अशोक, और पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन, के से कनिष्क, और हाथ में हर्षवर्धन से ये हाथ। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये इनका जन्म हुआ 563 BC में, तो उसके ठीक 80 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई। तो यानी 563 से 483 BC में इनकी मृत्यु हुई। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, सब पे प्रश्न बन चुके हैं, और मतलब बहुत बार भी बन चुके हैं, तो इसलिए ये सारी ही चीज़ें आपको याद करनी ज़रूरी हैं। तो आप कोशिश कीजिए कुछ एक ऐसी ट्रिक्स विकसित कर सकें जिसपे इन लोग को याद कर सकें। तो देखिए, 563 BC, उसके 80 साल बाद हुआ 483 BC, और 483 BC में ही आपकी प्रथम संगीति भी होती है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। जो प्रथम संगीति होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्धों की जो एक धर्म सभा टाइप में, तो वो जो है प्रथम संगीति होती है, वो 483 BC में ही होती है, ठीक है, यानी ईसा पूर्व में। BC को ईसा पूर्व भी बोल दिया जाता है हिंदी में। तो देखिए, ये मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है, तो ये कुशीनारा जगह थी, मल्ल जो थे उनकी राजधानी थी। तो ये कुशीनारा जो आजकल का ये कुशीनगर है, वो वही है इनका, जहाँ पर मृत्यु हुई थी, कुशीनारा या कुशीनगर में।
और इसको बोल दिया जाता है, ये एक टर्म है जिसको बोल दिया जाता है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कहते हैं कि इनको निर्वाण प्राप्त हुआ यानी मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये जो है महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ, तो कुशीनारा 483 BC। और इसका जो प्रतीक चिन्ह हम लोग समझते चल रहे थे कि बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को प्रतीक चिन्ह के माध्यम से अंकित किया गया है, तो उसमें इसका जो प्रतीक चिन्ह बनता है वो है पद चिन्ह, यानी इनके जो पैरों के निशान थे ऐसे करके एक जो है लोगों मतलब इनकी मृत्यु से रिलेटेड उसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए कि बुद्ध से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म है, अब हम लोग उस पर आते हैं। अभी तक तो बुद्ध की पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म पे आते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है वो माना जाता है वैशाख की पूर्णिमा को, और वैशाख की पूर्णिमा इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा बुद्ध पूर्णिमा। और ये सबसे पवित्र त्यौहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन जो है इनका जन्म भी हुआ, इसी दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनको मृत्यु हुई। ये मतलब ऐसा कोइंसिडेंस था, इसी वजह से इनको जो है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होता है। उसके बाद देखिए कि बौद्ध दर्शन जो था यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएँ थीं, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे प्रमुख जो इनके ग्रंथ थे वो थे त्रिपिटक। पिटक मतलब पोटली, आप समझ लीजिए, तो पोटली से रिलेटेड है कि ये त्रिपिटक जो है वो था। और त्रिपिटक यानी तीन पोटलियां, तो इसमें देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो है बौद्ध दर्शन की, बौद्ध धर्म की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और ये जो सुत्त पिटक था उसमें क्या है, तो सुत्त बना है सूत्र से, तो यानी सुत्त से मतलब आप सूत्र या सिद्धांत से समझ लीजिए कि ये जो सूत्र और सिद्धांत थे ये सब इसमें लिखे हुए हैं, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या सूत्र होने चाहिए। विनय पिटक में देखिए नए से आप नियम बना सकते हैं, नए नियम, तो विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के या बौद्ध संघ के जो नियम होते हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में व्याख्या है। तो इस तरह से सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीन भागों में इनका जो पूरा बौद्ध ग्रंथ है वो समाहित है। इसमें जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बेसिकली 5 उसके सब टॉपिक्स हैं, या 5 जो है उसके अलग अलग किताबें आप कह लीजिए कि 5 निकाय हैं। वो हैं कि वो 5 कौन से हैं, तो दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे करके 5 होते हैं। वो 5ों में आपको 2 जो है वो याद करने बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 कौन से हैं, तो पहला तो आपका ये अंगुत्तर निकाय हो गया। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है, इसके बारे में हम लोग अभी किसी दिन पढ़ रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन 16 महाजनपद यानी उस समय का जो भारत था उसमें विभिन्न महाजनपद हुआ करते थे, यानी आप जैसे कह लीजिए कि स्टेट या कुछ ऐसा कह लीजिए, तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, आप लोगों इससे परिचित भी होंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद करने वाली है कि ये खुद्दक निकाय जो है, खुद्दक निकाय में ही जातक कथाओं का वर्णन है। खुद्दक निकाय जो है उसमें जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाएं कई सारी हैं, कोई एक नहीं है, कई सारी कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख है कि मतलब वो पूर्व जन्म में ये थे, तो इसका उल्लेख है खुद्दक निकाय में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये दोनों तथ्य यहाँ पर जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए कि पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो कौन से थे, तो ये देखिए यहाँ पर त्रिरत्न, तो ये त्रिरत्न जो है मतलब तीन रत्न कौन से थे, तो उसमें बोला जाता है बुद्ध धम्म संघ। धम्म का मतलब ये धर्म होता है, तो ये पाली जो भाषा थी हम लोग ने समझा था कि पाली भाषा जो है वो धर्म, उसमें जो है धम्म का मतलब धर्म होता है। तो ये तीन जो रत्न कहे जाते हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ। संघ बोलते हैं इनका जो मतलब जो इनका एक कह सकते हैं आप समझ लीजिए कोचिंग संस्थान जो इनका था, यानी जो बुद्ध के मरने के बाद भी जो है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षाओं को दिया लिया जाता था। तो ये जो है बुद्ध धम्म संघ, ये इनके तीन रत्न थे। और इनके जितने भी ये त्रिपिटक भी हैं सब कुछ है वो सारा जो है पाली भाषा में ही है। तो पाली भाषा जो हमने बताया था वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उसमें ही ये सारा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 4 आर्य सत्य बोले जाते हैं कि इनका 4 जो आर्य सत्य थे वो कौन से थे, तो देखिए 4 आर्य सत्य जो है वो मतलब किस में थे, तो बुद्ध धर्म में थे, बौद्ध धर्म में थे। और कौन से थे, तो एक तो देखिए होता है दुख, एक इन्होंने कहा है दुख,
ये हम लोग वैसे उसमें पढ़ेंगे, ये सिविल सर्विसेज वाली परीक्षाओं में लगभग पूछ लिया जाता है कौन कौन से थे। आप बेसिकली इतना भी याद रख सकते हैं कि चार आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और वैसे कौन कौन से थे, तो एक तो था दुख, इन्होंने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, यानी सब जगह दुख ही दुख है। उसके बाद इन्होंने कहा कि दुख समुदाय यानी दुख के उदय होने का कारण भी है। दुख निरोध कि मतलब दुख को दूर करने का उपाय भी है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चौथा जो है वो पूरा है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार चीजें हैं। ये सारा आप इधर लिख लीजिएगा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख निरोध के लिए जो मार्ग है, दुख दूर करने का जो मार्ग है वो क्या है, तो उसका भी वर्णन है। तो ये चार आर्य सत्य जो है ये गौतम बुद्ध ने बताए हैं कि संसार में हर जगह दुख ही दुख है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। और ये जो है क्यों है, ये सब हम लोग अपनी डिटेल की क्लास में समझेंगे कि इसकी इनकी शिक्षाओं का क्या महत्व है, क्या मतलब है। और ये बहुत बेहतरीन ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको कि आप अपने अगर अपने जीवन में भी उतारते हैं तो आप काफ़ी कुछ उससे सीख सकते हैं। ये सारी हम लोग डिटेल क्लास में अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद देखिए चार आर्य सत्य हो गए। अब इनको दूर करने का, दुख दूर करने का जो है क्या रास्ता हो सकता है, तो इसमें इन्होंने बताया है अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख दूर करने का रास्ता। तो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया है कि मतलब आठ, अष्टांगिक का मतलब आठ मार्ग, तो यानी आठ रास्ते इन्होंने बताए हैं। वो अलग अलग हैं, दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक मार्ग, सम्यक संकल्प, सॉरी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, ऐसे करके तमाम वो आठ सारे हैं। तो वो रास्ते इन्होंने बताए हैं, वो नहीं पूछता है डिटेल में कि वो कौन से थे, मगर अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है, तो अगेन गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अष्टांगिक मार्ग भी और चार आर्य सत्य भी। ये देखिए ये चार है और ये चार दुनी आठ है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि। और उसके बाद देखिए कि ये अष्टांगिक मार्ग से आपको ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो चलिए अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग का अगर कोई फॉलो कर लेता है उसको, तो उससे उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण का मतलब बोलते हैं कि बुद्ध, उनका ये मतलब है कि निर्वाण का मतलब दीपक का बुझ जाना, जो उसका अर्थ है वो है कि दीपक का बुझ जाना। और इसका मतलब जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्ति पा लेना, या जैसे अपने बौद्ध, जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति, यानी दीपक का बुझ जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज मैं ऊपर लिख देता हूं इधर। तो देखिए जो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म है, वो देखिए ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को भी नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, और पुनर्जन्म को ये मानता है। तो ये देखिए बौद्ध धर्म जो है ये ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। यही चीज आपकी किताबों में लिखी रहती है, थोड़ा अलग तरीके से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और बल्कि अगर मैं कहूँ तो आप इसका साथ में जैन का भी लिख लीजिए, क्योंकि ये इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस में कौन क्या नहीं मानता है। तो जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन ये आत्मा को ये मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। और वास्तविकता में बौद्ध धर्म जो है वो यहीं पे फंस जाता है कि ये आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को क्यों मानता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बौद्ध धर्म की फिलॉसफी जो है वो फंस जाती है। हम लोग अपनी डिटेल क्लास में देखेंगे कि कैसे फंसती है क्या। अभी फिलहाल ये समझिए कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है अनीश्वरवादी। तो प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म अनीश्वरवादी है, तो दोनों ही धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी है। हिंदू धर्म है कि नहीं है, तो हिंदू धर्म में ईश्वर की मान्यता है, इसलिए हिंदू धर्म जो है वो ईश्वरवादी है, अनीश्वरवादी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये लोग मना करते हैं। ये बात अलग है कि इनके मरने के बाद में बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया गया उनकी फिलॉसफी के अगेंस्ट जाके, वो समझेंगे हम लोग ऐसा क्यों हुआ। तो ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, और पुनर्जन्म की लेकिन मान्यता दोनों में है। यहाँ पर इन दोनों में समानता दिखती है। जैन धर्म को भी हम लोग ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी समझ रहे होंगे। फिलहाल आज की वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर इन दो वीडियो सीरीज में मिल गया होगा। एक टॉपिक इसके अलावा जो और बच जाता है वो है बौद्ध संगीतियों वाला, और ये हमने आपको पहले ही
करा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।